जिसके लिए लोगों को बड़ी कठिनाई थी और काफी असुविधा थी। हाँ। तो मरम्मत का काम ठीक ढंग से हुआ कि नहीं है, लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है, वो ये जानकारी लेने के लिए निकले हैं। अच्छा। और जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ काम बाकी रह गया करने के लिए तो वो संबंधित ठेकेदार के जो कर्मचारी हमारे साथ में उनको निर्देश भी देते जा रहे हैं सर। अच्छा जी। जी सर, जो पुलिया वगैरह हैं, जो रोड पे हैं पुलिया हैं, जो बगैर रेलिंग के हैं, इन पे भी काम कराया जाएगा। इन पे जल्दी हम कार्रवाई करेंगे और जहाँ पे रेलिंग उखड़ गई है या टूट गई है तो उसका संधारण कार्य करवा दिया जाएगा। तो कब तक हो जाएगा सर ये? समय सीमा तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ये मान के चलें कि एक महीने के अंदर ही सारी कार्रवाई हो जाएगी। ये कहीं कहीं सर सड़कों पर पानी भरा जाता है या निकासी व्यवस्था नहीं है, वो वहाँ पर सड़क फरकी से मरम्मत टूट जाती है, जर्जर हो जाती है, तो वहाँ पर कोई नया प्लान लेके आ रहे हैं क्या उसको ठीक करने? नहीं, अभी तो देखिए ये चूंकि इस रोड का सिर्फ हम संधारण के दृष्टिकोण से अभी हम इसका निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रोड जो है अभी जो यातायात जितना दबाव है इसका, उस दबाव के अनुकूल अभी रोड नहीं है, इसलिए ये समस्याएं जो हम रख रखाव की समस्याएं बनी रहती हैं। अब ये रोड जो है किसी नए मद में प्रस्तावित की गई है नवनिर्माण इसका, तो जब ये रोड जो है नए यातायात के हिसाब से अगर ये डिजाइन हो जाती है और इसका निर्माण होता है तभी स्थायी इसका समाधान है। बाकी रख रखाव का कार्य जैसा भी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, बस आम जनता को कोई असुविधा नहीं होगी और यातायात की सुरक्षा के भी सारे उपाय किए जाएंगे। नहीं, ये तो हमारा दायित्व तो है पहली बात, ये दूसरी बात ये शिकायतें भी है, लोगों की शिकायतें भी है, लोगों की तकलीफ भी है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये दौरा हमारा है, रूटीन में हम करते ही रहते हैं, लेकिन चूंकि शिकायतों से सीधा इसका संबंध है इसीलिए मतलब आम जनता के बीच में हम आज ये जो हमने जो भी कार्य किया है या जो भी उनकी तकलीफें हैं तो वो उससे हम संज्ञान में भी लेते जा रहे हैं, उसका निराकरण भी करते जा रहे हैं। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।